So turn to Hebrews chapter 12. इब्रानियों का पुस्तक उसका 12वां अध्याय verse 2 दूसरा पद और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे जिसने उस अनाथ के लिए जो क्रूस के आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा क्रूस का लज्जा क्या पढ़ा क्रूस की लज्जा कुछ चिंता ना करके क्रूस की लज्जा सर क्रूस का क्रूस से लज्जा है ना ना हम चाहते हैं आप लोग ये थोड़ा समझ लीजिए ना कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना तरह कहाँ क्या क्या दुख उठाया और जब हम अपना जीवन सही नहीं कर बताते हैं अभी देखिए यीशु मसीह को हम कितना चोट पहुंच जाते हैं यू डोंट रियलाइज इट एंड वी डोंट रियलाइज इट वी केयरलेसली लिव एनी वे वी वांट टू डू व्हाट एवर वी वांट टू और बहुत बार अक्सर हम इसको एहसास नहीं करते महसूस नहीं करते हैं और इसलिए हम अपने जीवन को हल्के रूप से लेते हैं लापरवाही से जीते हैं And we don't realize that Jesus who suffered all these shame of the cross, the loneliness of the cross, and the agony of the cross, we remember, we learn all these things. और इन बातों को तो हम सीखते हैं लेकिन हम याद नहीं करते हैं कि क्रूस पर यीशु मसीह ने उस अकेलापन को उस लज्जा को उस पीड़ा को जिससे वो गुजरे एंड वी हैव नो अप्रिशिएशन इन आवर हार्ट और इसलिए हमारे हृदय में वो धन्यवाद नहीं रहता है हम जो विश्वासी कह लेते हैं ये बात बहुत गंभीरता के साथ हमें सोचना है वी कैनॉट मॉक गॉड ऑलवेज और हम परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ा सकते हर बार What we sow, we reap. और जिस बात को हम बोएंगे उसी बात को हम काटेंगे So I feel so sad that some of us who claim to be followers of Christ, we treat Jesus so badly. और इसलिए मुझे इस बात का बड़ा दुख लगता है कि हम अपने आप को कहलाते हैं कि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं लेकिन हम उसके प्रति बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं एंड वी आर स्टिल क्रूसिफाइंग जीसस और बार बार हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं एंड येट द सब्जेक्ट आई एम टॉकिंग टू यू इज व्हाई इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस द लोनलीनेस एंड द शेम एंड द एगनी ऑफ द क्रॉस जीसस willingly suffered on the cross for our sake aur jis vishay ko main bata raha hu wo ye hai ki in sab dukhon ko se guzarne ke bawajood yeshu masi apne swayam ichha se us cross ke upar marne ke liye gaye and how do we respond to that kind of love and that kind of forgiveness और इस प्रकार के प्रेम के प्रति हम क्या उत्तर देते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वी रेड इन दिस पैसेज दैट बियॉन्ड ऑल दैट जीसस सॉ अ जॉय और हमने इस भाग में पढ़ा कि इन सब के बावजूद परमेश्वर कुछ भी चिंता न करते हुए यीशु ने एक आनंद को पाया एंड बिकॉज ऑफ द जॉय ही सॉ और उस आनंद के कारण जो यीशु मसीह ने देखा ही सफर्ड द क्रॉस यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर दुख उठाए ही सफर्ड द शेम उसका लज्जा को से गुजरे सफर्ड द लोनलीनेस अकेलापन से गुजरे एंड ही सफर्ड द एगनी ऑफ द क्रॉस और उस क्रूस के ऊपर पूरा दुख उठाया फॉर आवर सेक हमारे खातिर
And then we said there are about three joys that Jesus saw. और फिर हमने देखा कि तीन ऐसे आनंद हैं जो यीशु मसीह ने देखा. And last time we considered the first of these joys. और पिछले समय में हमने इन में से जो पहला आनंद है उसको देखा. Anyone remembers what? किसी को याद है वो? Did you hear what she said? क्रूस वो आनंद क्या था? जो पहला आनंद हमने देखा था. Nobody remembers. I see several of you take down notes, but you haven't written it. No. That is not the first joy. We are talking about the first joy he saw. जो पहला आनंद यीशु मसीह ने देखा क्रूस के ऊपर जाने के लिए. The joy of glorifying God, his Father. वो आनंद जो परमेश्वर अपने पिता को महिमा देने का जो आनंद था. What was it? वो क्या था? परमेश्वर पिता को महिमा देने का आनंद. You would have remembered if you had repeated these things after me. अगर मेरे पीछे इन बातों को दोहराते तो आपको याद रहता. So even now you can say, what was the first joy? और इस समय आप कह सकते हैं जो पहला आनंद था वो क्या था? The joy of glorifying God, his Father. अपने परमेश्वर पिता को महिमा देने का आनंद. बोलिए ना, अपना पिता परमेश्वर को महिमा, उसकी महिमा. Glorifying God. परमेश्वर को महिमा देना. You know, in the great prayer, Jesus, the longest prayer of Jesus is recorded where? और यीशु मसीह ने जो प्रार्थनाएं की उसमें से जो सबसे लंबा प्रार्थना था वो कहाँ लिखा है? यीशु का सबसे लंबा प्रार्थना. कम से कम पुराना विश्वासी लोग जो बाइबल पढ़ते हैं आपको ये अच्छी तरह याद करना चाहिए. वेयर इज रिकॉर्डेड द लॉन्गेस्ट प्रेयर जीसस प्रेड एज रिकॉर्डेड इन द बाइबल. ही प्रेड ऑल नाइट एंड ही प्रेड हाफ अ नाइट. ही प्रेड अर्ली मॉर्निंग सेवरल आवर्स. सो लंबा लंबा समय पिता के सामने समय बिताया. लेकिन बाइबल में जो रिकॉर्ड किया है इस प्रेयर से जा सबसे लंबा प्रेयर कहाँ? योहन्ना. अरे इधर शर्म है, हम विश्वासी लोग बाइबल नहीं पढ़ते क्या? Only few. Please remember, these are things that you should easily remember. Gospel according to St. John chapter 17. Yavna Rachit Su Samachar, Uska Satra Adhyay. Ye sab baate hai jo hume yaad rakhna chahiye. The whole chapter is prayer. Aur pura adhyay, wo Yeshu Masih ka prarthna hai. For whom did he pray? यीशु ने किसके लिए प्रार्थना किया? He prayed for his disciples. अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया. He prayed for the church. कलीसिया के लिए प्रार्थना किया. He prayed for you and for me also. आपके लिए और मेरे लिए भी प्रार्थना किया. You know, if somebody can control this child, everybody's attention is going on. So I don't know whose child is this. ये बच्चा जिसका है आप पकड़ लें इनको. सबका ध्यान भटक रहा है इस बच्चे को बार बार देखते हुए. And so, you know,
whom did he pray for? यीशु मसीह ने किसके लिए प्रार्थना किया? He prayed for his disciples. अपने चेलों के लिए. He prayed for the church just started. और जो कलीसिया शुरू हुआ था उसके लिए प्रार्थना किया. And then he prayed for, he prayed for all those who would believe in him in the future. और आगे आने वाले जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते हर एक के लिए यीशु ने प्रार्थना किया. That is you and I. और उसमें आप और हम भी शामिल हैं. So he included you and I also in his intercessory prayer. So यीशु मसीह ने अपने मध्यस्थता वाले प्रार्थना में आपको और मुझको भी शामिल किया. But he began that prayer in verse 1. और उस प्रार्थना को पहले अध्याय में शुरू किया. Verse 1. पहले पद से पढ़िए. यीशु ने ये बातें कहीं और अपने आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे. पुत्र भी तेरी महिमा करे. That was his prayer. यही यीशु की प्रार्थना थी. Father, you glorify your son. पिता, आप अपने पुत्र को महिमा दे. The son also will glorify you. ताकि पुत्र भी तेरी महिमा करे. That was his prayer. और यही यीशु की प्रार्थना थी. And last Sunday, last time we spoke about that first joy. और पिछले बार हमने वो पहले आनंद को देखा था. What does it mean to glorify God? इसका अर्थ क्या है कि जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर पिता को महिमा देना है? It means to make known his name. इसका अर्थ यही है कि हम लोगों तक यीशु मसीह के नाम को पहुंचाए. He came down to this earth to make known his father and his love, his will for all of us. और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि लोगों को अपने पिता के विषय में बताए, पिता के प्रेम के विषय में, पिता के इच्छा के विषय में. And it is said to glorify God is the chief end of any person. और ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो यही है कि परमेश्वर पिता को महिमा दे. फॉर एग्जाम्पल, इन अदर वर्ड्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू वुड एवर डू एज अ ह्यूमन बीइंग इज टू ग्लोरीफाई गॉड. और इसका अर्थ यही है कि हम जो मनुष्य है सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हम कर सकते हैं वो है परमेश्वर पिता को महिमा देना. टू ग्लोरीफाई गॉड इज द चीफ. That is the end of all. और परमेश्वर पिता को महिमा देना ही हमारा मुख्य कार्य है. So if you are serious about glorifying God, repeat it after me. So अगर आप गंभीर है परमेश्वर को महिमा देने के लिए, आप मेरे पीछे इस बात को कहें. The most important thing I would ever do in my life. सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो मैं अपने जीवन में करूंगा is to glorify God. कि मैं परमेश्वर पिता को महिमा दूं. That is the most important. There is nothing more important than this. और इससे बढ़कर, इससे मुख्य और कोई कार्य नहीं है. Because in that prayer, क्योंकि इस प्रार्थना में everything you need to do for God, everything is included. हर एक कार्य जो हमें परमेश्वर के लिए करना है उसमें सब शामिल है. You are glorifying God when you sing his praises. जब आप परमेश्वर के गीतों को गाते हैं आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं. And the Bible also says to praise God means to glorify him.
और बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर को स्तुति देना परमेश्वर को महिमा देना है So when you talk about Jesus to someone else you are bringing glory to God और जब हम यीशु मसीह के विषय में दूसरों को बताते हैं तब भी हम परमेश्वर को महिमा देते हैं You understand आप समझ गए That is the chief thing that ever do So यही वो मुख्य बात है जो हमें करना है And so we talked about that joy और उस आनंद के विषय में हमने बातें किया बाय हिज डेथ क्राइस्ट डिस्ट्रॉयड द वर्क्स ऑफ द डेविल इटसेल्फ मसीह के मृत्यु से यीशु ने शैतान के सारे कार्यों को नाश कर दिया सो दिस मॉर्निंग आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट द सेकंड जॉय आज की सुबह हम दूसरे आनंद के विषय में बताएंगे द जॉय of the highest personal achievement aur ye anand wo hai ki vyaktigat roop se jo parmeshwar ne hasil kiya apne jeevan mein you understand the joy of the highest personal achievement aur wo anand jo vyaktigat roop se sabse jo mukhya karya yeshu ne hasil kiya That is the second joy he had. ये दूसरा आनंद था. Beyond the cross. उस क्रूस के परे. Beyond the agony of the cross. उस क्रूस के पीड़ा के परे. And the loneliness of the cross. और उस क्रूस के अकेलापन के परे. And the shame of the cross. और उस क्रूस के लज्जा के परे. The suffering of the cross. उस क्रूस के दुख के परे. He saw these joys. यीशु मसीह ने इन आनंद को देखा. Hallelujah. Hallelujah. The joy of glorifying His Father. और वो आनंद जो परमेश्वर पिता को महिमा लाएगा. That joy was so great. वो महिमा इतना महान था. And he looked forward to glorifying. और यीशु मसीह ने बड़ा इच्छा को दिखाया परमेश्वर पिता को महिमा देने के लिए. That expectation lessened the pain of all other suffering. और वो एक आशा ने वो सारे बाकी दुख और दर्द को कम कर दिया. Now is that possible? क्या ये संभव है? The apostle Paul said. पौलुस प्रेरित ने कहा. If you read the Second Corinthians. अगर आप दूसरे कुरिन्थियों को पढ़ेंगे. You will read a long list of his suffering. एक लंबा सूची को आप पढ़ेंगे जो उन्होंने दुख उठाया. Oh, long, long list, and none of us have ever gone through anything like Apostle Paul. और मैं नहीं सोचता कि हम में से कोई भी उन बातों से गुजरा है जो पौलुस प्रेरित ने गुजरा. He suffered, and yet he survived all those sufferings. लेकिन वो सारे दुख उठाने के बाद भी पौलुस प्रेरित वो बना रहा. At the end of that suffering, list of suffering, और वो लंबे दिन दुख उठाने के बाद अंत में he said पौलुस कहता है he has written there ऐसे लिखता है but these sufferings are nothing कि ये सारे दुख जो है ये कुछ भी नहीं है अरे अपोस्टल पॉल इज सेइंग आई कुड इजीली गो थ्रू दिस सफरिंग विद जॉय बिकॉज ऑफ समथिंग दैट आई could see by the eyes of faith aur iska matlab yahi hai ki paulus prerit un sare dukhon se guzarne paya kyunki unke aankhe jo hai un baaton ko dekh rahe the jo inse pare the what did he see paulus ne kya dekha what did he see by the eyes of faith apne vishwas ke aankhon se paulus ne kya dekha he said I see the glory that is waiting there to be revealed in me पौलुस ने कहा कि मैं इंतजार में हूँ उस दिन के लिए जिस दिन मैं वो महिमा मेरे द्वारा प्रकट होगा There is a glory. एक महिमा है Hallelujah. Hallelujah. And when I think of this glory, और जब मैं उस महिमा के विषय में सोचता हूँ it lessened the pain of all of the suffering. वो सोच वो आशा जो है वो सारे दुख और दर्द को कम बनाता है What was that glory? वो महिमा क्या है That glory you will read in 2 Timothy chapter 4. वो महिमा को आप दूसरे तिमोथियस उसके चौथे अध्याय में पढ़ेंगे Paul is standing between two soldiers with a sharp and shining sword. Paulus jo hai do sipaiyon ke beech mein khada hai
जिनके हाथ में तलवार है. And his head was about to be chopped off. और उनका सर जो है उसको काट दिया जाने वाला था. For what? किस कारण से? For the sake of Jesus. यीशु मसीह के खातिर. Because of his faith in Jesus. क्योंकि पौलुस ने यीशु पर विश्वास किया. Because of his preaching of Jesus. और क्योंकि पौलुस ने यीशु का प्रचार किया. Hallelujah. Hallelujah. But he was so gladly bowed himself and gave his head. लेकिन बहुत बहुत आनंद के साथ पौलुस तैयार हो गया अपने जान को देने के लिए. You find that place? Verse 8. No. Second Timothy. No. It's iske ek verse aage. I have kept the faith. You know that. Okay. Verse 6. Did you see that? 2 Timothy chapter 4. 7. Verse 7. Read this. दूसरा तिमोथियस चौथा अध्याय 7 वचन. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ. हम भी कुश्ती लड़ते हैं. लेकिन हमारा कुश्ती कैसे है? पास्टर से कुश्ती करो, बाकी बिलीवर्स ब्रदर भाई बहन से कुश्ती करो, पड़ोसी से कुश्ती करो, सब लोगों से कुश्ती करो. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फैमिली मेंबर से कुश्ती करो. हर चीज़ के लिए कुश्ती करके जीवन बिताते हैं. ये ऐसा कुश्ती नहीं है. ये कुश्ती कैसा कुश्ती है? I have fought a good fight. He did not fight any bad fight. Paulus ne koi bekar ke ladai ko nahi lada. He fought a good fight. Ek acche kushti ko lada hai. And what does that mean? Aur iska arth kya hai? Spiritual life is to be in a battlefield. Aatmik jeevan jeene ka arth yahi hai ki hum एक लड़ाई के मैदान में है. वी आर नॉट इन अ पिकनिक. हम कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं है. वी आर इन अ बैटलफील्ड. हम एक लड़ाई के मैदान में है. वी आर बैटलिंग अगेंस्ट हूम. लेकिन किसके विरोध हम लड़ाई कर रहे हैं? इफिशियन चैप्टर 6 इट सेज. इफिशियो 6 में लिखा है, आवर बैटल इज नॉट विद फ्लैश एंड ब्लड. कि हमारा लड़ाई जो है वो मांस और लहू से नहीं है. दैट मींस आवर कुश्ती इज नॉट विद अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. इसका अर्थ यही है, हमारा कुश्ती जो है वो हमारे भाई बहनों से नहीं है. नॉट अगेंस्ट हस्बैंड एंड वाइफ. पति पत्नी के बीच में नहीं है. नॉट अगेंस्ट पेरेंट्स. और माता पिता और बच्चों के बीच में नहीं है. बट आवर एनिमी is invisible. लेकिन हमारा शत्रु जो है वो अदृश्य है. It is a spiritual battle. ये एक आत्मिक एक कुश्ती है. With the spiritual powers. आत्मिक ताकतों के साथ. The spiritual forces in the kingdom of darkness. जो आत्मिक ताकतें हैं जो अंधकार के राज्य में. Against the devil. और कुश्ती जो है वो शैतान के विरोध में है. Demon powers. दुष्ट आत्माओं के ताकतों के विरोध में. This kushti is against temptation. और ये कुश्ती जो है ये परीक्षाओं के विरोध में. Against sin. पाप के विरोध में. Against wrong things. और गलत कामों के विरोध में. Disobedience. अन आज्ञाकारिता के विरोध में. And all kinds of evil desires. और हर प्रकार के दुष्ट लालसाओं के विरोध में. Our own mind is so full of evil
imagination. और हमारे खुद का मन जो है और बुरे कल्पनाओं से भरे हुए हैं. And our hearts are full of evil intention. और हमारा हृदय जो है वो बुरे इच्छाओं को रखता है. Evil desires. और बुरे इच्छाएं. Selfishness. स्वार्थपन. And all these are our enemies, which destroys our soul. और ये सब हमारे शत्रु हैं जो हमारे आत्मा को नाश करते हैं. And Paul is saying. और पौलुस कहता है. I have fought a good fight. मैंने अच्छी कुश्ती को लड़ी है. He has fought against all these evil forces that destroys our soul. और इन सारे दुष्ट ताकतों के विरोध में उसने लड़ाई लड़ी है. That is the fight. और यही वो कुश्ती है. And the problem with many of us. और हम में से समस्या यही है. Instead of fighting a fight. और एक अच्छी कुश्ती लड़ने के बजाय. We simply yield ourselves. हम अपने आप को हम समर्पित कर देते हैं. टेम्पटेशन कम. कोई भी परीक्षाएं आते हैं. इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट दैट टेम्पटेशन. और उसके विरोध में लड़ने के बावजूद. वी इजीली यील्ड आवरसेल्फ. हम अपने आप को उसमें हम चले जाते हैं. दैट इज हाउ मेनी पीपल आर अ फेलियर इन स्पिरिचुअल लाइफ. और ऐसे ही बहुत लोग आत्मिक जीवन में हार जाते हैं. वी आर नॉट कॉल्ड टू yield ourselves to evil temptations and demonic powers. और हमें इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम इन परीक्षाओं में पड़ जाएं. We are called to fight. हमें बुलाया गया है कि हम एक अच्छे कुश्ती को लड़े. And we are supposed to win. और हमें जीतना जरूरी है. That's why Apostle Paul in Romans says we are more than conquerors. और इसलिए रोमियो के पुस्तक में पौलुस कहता है कि हम विजय से भी बढ़कर हैं. How many of you are really fighting? आप में से कितने लोग इस अच्छे कुश्ती को लड़ रहे हैं? Are you overcoming? क्या आप विजय पा रहे हैं? Are you fighting this good fight that Apostle Paul is talking about? और जिस कुश्ती के विषय में पौलुस बताता है उसको हम लड़ रहे हैं कि नहीं? You know, we know, God knows that we will not be able to fight this battle with our own equipments. और परमेश्वर जानते हैं कि हम अपने खुद के ताकत से हम इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते. So he has given us a full armor. So इसलिए परमेश्वर ने वो पूरे हथियार का उपाय किया है. In Ephesians chapter 6. इफिसियों के छठे अध्याय में. Go home and read this. घर जाके अध्याय को पढ़ें. If you want to be a fighter. अगर आप एक अच्छे कुश्ती लड़ने वाले बनना चाहते हैं. फाइटिंग अगेंस्ट टेम्पटेशन. और परीक्षाओं के विरोध में लड़ना. फाइटिंग अगेंस्ट ईविल फोर्सेस. और दुष्ट ताकतों के विरोध में लड़ना. एंड फाइटिंग अगेंस्ट सिन. पाप के विरोध में लड़ना. एंड डिसोबीडियंस. और अनाज्ञाकारिता के विरोध में. वी आर कॉल्ड टू फाइट. हमें बुलाया गया है लड़ने के लिए. वी आर आल्सो कॉल्ड टू बी विनर्स. और हमें इसलिए भी बुलाया गया है कि हम जीते. एंड बिकॉज़ क्योंकि गॉड आल्सो हैज गिवन अस an armor. क्योंकि परमेश्वर ने पूरे हथियार हमें उपाय किए. So that's why Paul says in Ephesians chapter 6. और इसलिए पौलुस इफिसियों 6 में कहता है. Put on the whole armor of God. परमेश्वर के पूरे हथियार को पहन लो. Many of us don't even know what this armor is. हम में से बहुत लोग जानते भी नहीं है ये हथियार है क्या. And so you are exposed. So इसलिए आप फिर शैतान के लिए खुले रहते हैं. You are not able to fight the battle. आप उस लड़ाई को लड़ नहीं पाते हैं. My brothers and sisters, when God saved you, मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने आपको बचाया, if you are properly saved, अगर आपने सही में उद्धार पाया है, if you are sincerely surrendered yourself to Jesus, अगर सच्चे मन से आपने अपने जीवन को समर्पित किया है यीशु मसीह के अधीन, also clothed you with an arm. तब यीशु मसीह ने आपको उस हथियार से पहना लिया है. What this armor are, maybe we should have a series of lesson concerning this armor. और इन हथियार के विषय में हमें ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है. The Holy Spirit is there. पवित्र आत्मा है. The Word of God is there. परमेश्वर का वचन है. Prayer is there. प्रार्थना है. And all these armor is there. ये सारे हथियार हमारे पास हैं. आर वी यूजिंग एनीथिंग? क्या हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं? एंड फाइटिंग अ बैटल. और एक कुश्ती को लड़ रहे हैं. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू आर अ सेव्ड बिलीवर. यू आर गिवन एन आर्मर. आर यू पुटिंग ऑन द आर्मर?
मेरे भाई और बहनों, आप बचाए गए हैं. अगर आप बच गए हैं तो फिर यीशु मसीह ने आपको वो हथियार दिए हैं, और तो क्या आप उन हथियारों को इस्तेमाल कर रहे हैं? यू कैन बी अ विनर अगेंस्ट ऑल सिन एंड टेम्पटेशंस एंड ऑल द ईविल फोर्सेस. तब आप पाप और परीक्षाओं और सारे दुष्ट ताकतों के विरोध में आप लड़के आप जीत सकते हैं. नथिंग विल हार्म यू. कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा. लूक चैप्टर 10 वर्स 19 सेज, लूका उसका 10 के 19 में लिखा है, जीसस सेड आई गिव यू अथॉरिटी. यीशु ने कहा मैं तुझे अधिकार देता हूं. मैं तुझे अधिकार देता हूं. ओवर व्हाट? किसके ऊपर? हाँ, टू ट्रैम्पल ऑन सर्पेंट्स एंड स्कॉर्पियंस. I told you before that these are symbolic language to tell you about evil, destructive forces of evil. और ये सारे चिन्ह के रूप में बताया गया है कि जब कहते हैं सांप और बिच्छू के ऊपर हम रौंदेंगे, तो परमेश्वर हमें सिखाता है किस कि कैसे हम विजय को पा सकते हैं. You don't have to be defeated. हमें हार मानने की आवश्यकता नहीं है. सो व्हाट इज द हाईएस्ट पर्सनल अचीवमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट? तो वो सबसे उत्तम व्यक्तिगत हासिल करना क्या था यीशु मसीह का? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, ही वेंट टू द क्रॉस, क्रूस के ऊपर गए. There was no other way he could prepare salvation for you. और कोई तरीका नहीं था कि आपके लिए एक उद्धार के मार्ग को तैयार करे. He came from heaven for this purpose. यीशु मसीह इसी कारण से स्वर्ग से आए. He took upon himself a human body. अपने ऊपर मनुष्य का रूप धारण किया. So that his body could be broken and the blood should be shed. ताकि उस देह को तोड़ा जाए और लहू बहाया जाए. And without shedding of blood, there is no remission of sin. क्योंकि बगैर लहू बहाने का कोई पापों का प्रायश्चित नहीं है. Then the question is, why only Jesus? फिर सवाल यही है कि क्यों सिर्फ यीशु? Because only the blood of Jesus was sinless and holy and pure. क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही पाप रहित और पवित्र लहू था. Your blood is not pure. आपका लहू जो है वो शुद्ध नहीं है. It is not holy. वो पवित्र नहीं है. Because it is poisoned by sin. क्योंकि ये पाप से जहरीला किया गया है. So such blood will not be a means of your salvation. So ऐसा लहू जो है उसको बहाने से आपके पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता है. Jesus came. So यीशु मसीह आए. And his blood he received from his father in heaven. और यीशु मसीह ने अपने लहू को अपने पिता से पाया जो स्वर्ग में है. And so that blood was to be shed. और इसलिए उसी लहू को बहाना जाना. For your आपके पापों के खातिर. For your forgiveness. That's why Jesus is the only savior. और इसी कारण से यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है. Amen. Amen. That's why everybody must know this. और हर एक व्यक्ति को इस बात को जानना है. Everybody will accept Jesus Christ. जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है. If you want eternal life. अगर आप अनंत जीवन को पाना चाहते हैं. Through forgiveness of your sin. आपके पापों के क्षमा के द्वारा. By your faith in Jesus Christ. और अपने विश्वास के द्वारा. Amen. So only his blood was not poisoned by sin. So इसलिए सिर्फ यीशु मसीह का लहू जो है वो शुद्ध था, पवित्र था. So without shedding of that sinless blood, there is no remission of sin for anybody. और बिना उस लहू के बहाए किसी के लिए पापों का प्रायश्चित नहीं था. So Jesus went to the cross. So यीशु मसीह क्रूस पर गए. He came with the knowledge that he was coming, becoming a man. Coming from heaven just for this purpose of dying and shedding blood. और यीशु मसीह इसी कारण से स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए, इस ज्ञान के साथ कि इस पृथ्वी पर आकर उनको अपने लहू को बहाना है, अपने जान को देना है मनुष्य के खातिर. That is why he is your savior. और इसलिए वो आपका उद्धार करता है. Salvation is found in no one else. उद्धार और किसी में नहीं है. That's why you need to believe in Jesus. और इसी कारण से आपको यीशु पर विश्वास करना है. Life will be over very soon.
ये जीवन जो है बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा. Beyond this life, there is the real life. लेकिन इस जीवन के परे वो वास्तविक एक जीवन है. Hallelujah. Hallelujah. There is eternal life. वो अनंत जीवन है. He is the way. और वही वो मार्ग है. So shall we lift up our hands. So आइए हम अपने हाथों को उठाएं. Say thank you, Lord Jesus. और कहे धन्यवाद प्रभु यीशु. Thank you for dying for me. धन्यवाद कि आप मेरे लिए मरे. Thank you for shedding your blood for me. धन्यवाद कि आपने मेरे लिए अपने लहू को बहाया. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Let me be faithful to you, Lord. होने पाए कि मैं विश्वास योग्य बने रहूं आपके प्रति. Hallelujah. Hallelujah. The question is, could Jesus have avoided the cross? सवाल ये है कि क्या यीशु मसीह उस क्रूस से बच सकते थे? Could Jesus have avoided the cross? क्या यीशु मसीह उस क्रूस से बच सकते थे? Not bud, but avoided. Could he have? Or in other words, क्या उसको टाल सकते थे? हाँ, या या. You say yes, he could have avoided the cross. How many agree? कितने लोग कहते हैं कि वो टाल सकते थे? Others don't know. So what is your idea? So फिर आपका विचार क्या है? Those who didn't raise your hands, जिन्होंने हाथों को नहीं उठाया, what do you think? आप क्या सोचते हैं? You think that he could not avoid, right? और आप सोचते हैं कि यीशु मसीह टाल नहीं सकते थे? Let me tell you. If he wanted, अगर यीशु चाहते, he could have avoided the cross. तो वो टाल सकते थे. Do you know that Jesus had a human will? क्या आपको मालूम है कि यीशु मसीह का एक मानव एक इच्छा था? That human will cried out. और वो मानव इच्छा ने पुकारा. Father, पिता, if it is possible, अगर ये संभव है, remove this cup from me. ये कटोरे को मुझसे दूर कर. Nevertheless, लेकिन it is not my will, ये मेरी इच्छा नहीं, but your will be लेकिन done. आप ही की इच्छा पूरी हो जाए. So Jesus had a human will. So यीशु मसीह का एक मानव एक इच्छा and था. That will could have easily avoided the cross. और वो इच्छा अगर वो पूरा करते वो क्रूस को टाल सकते थे. But he did not come to fulfill his own will. लेकिन यीशु अपने खुद के इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं आए. He came to fulfill his father's will. यीशु मसीह अपने पिता के इच्छा को पूरा करने के लिए आए. If he had avoided the cross, अगर यीशु मसीह उस क्रूस को टाल देते, he could have, there was possibility. यीशु ये संभव था, यीशु मसीह उसे टाल सकते थे. But he didn't avoid the cross. लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया. Why? क्यों? Because of his love for you. क्योंकि उसके प्रेम आपके प्रति. Because of his love for you. क्योंकि यीशु ने आपसे इतना प्रेम किया. He knew that the only way you could be saved from sin and avoid going to hell. Was for him to die. और यीशु मसीह जानते थे कि सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही मार्ग है कि आप नरक से बच जाए और आप उसके पास पहुंच जाए वो क्रूस. You must understand that. आपको इस बात को समझना है. If Jesus had not gone to the cross, अगर यीशु मसीह उस क्रूस पर नहीं जाते, what would have been the condition of the world today? तो फिर आज इस संसार का स्थिति क्या होता? There would have been no joy. कोई आनंद नहीं होता. There would have been no songs of joy. कोई आनंद के गीत ना होते. There would have been no possibility of salvation. और उद्धार का कोई संभावना नहीं होता. The only result was for you to spend eternity in hell. एक ही परिणाम होता और वो है कि आप अनंत काल के लिए नरक में अपने समय को बिताते. You did not deserve any kindness. आपको कोई योग्यता नहीं था कि आपको ऊपर करुणा दिखाई जाए. The only thing you and I deserve was a hellfire. और हम सिर्फ इसी के योग्य थे कि हम नरक चले जाएं. You were held by the wrath of God over the hellfire. क्योंकि परमेश्वर का क्रोध जो है मनुष्य को उस नरक भेजना चाहता था.
But in order to save you from that hellfire, लेकिन उस नरक से आपको बचाने के लिए, He chose to do His Father's will. यीशु मसीह ने चुना अपने पिता के इच्छा को पूरा करने के लिए. Gladly, खुशी के साथ. For your sake, आपके खातिर. How grateful are you? और हम कितने आभारी हैं इसके प्रति. How do you respond to this kind of love? इस प्रकार के प्रेम के प्रति हम क्या उत्तर देते हैं? Can you be a hard-hearted man? क्या हम इतने कठोर बन सकते हैं? If this does not break your heart, अगर इससे हमारा हृदय नहीं टूटता है, I don't know what else can break. तो फिर मैं नहीं जानता और क्या आपको कोमल करेगा? And when you remember this, और जब हम इसे याद करते हैं, I am about to be dropped into that hellfire. कि हमें तो उस नरक के आग में फेंका जा रहा था. To spend my eternity with the devil in hell. और अपने पूरे अनंत काल को उस शैतान के साथ उस नरक में बिताए रहे. Is there a hell? क्या कोई नरक है? You may say no. हो सकता है आप कहे कोई नरक नहीं है. You are saying no will not up. लेकिन आपके नहीं कहने से ये सच्चाई बदलता नहीं है. It cannot cancel the reality. जो वास्तविकता है उसको बदल नहीं सकता है. There is a hell. एक नरक है. It is real. ये वास्तविक है. And it is eternal. और अनंत काल का है. But that hell is prepared. For the devil. लेकिन ये नरक जो है ये शैतान के लिए बनाया गया है. That's why. और इसलिए. You should not follow the devil. हमें शैतान के पीछे नहीं चलना चाहिए. Because whomever you follow, you will end up where that fellow. क्योंकि जिसके पीछे आप जाएंगे जहां वो जाएगा आप वहीं पहुंचेंगे. That is where many people are going to end up in hell because they follow. और बहुत लोग उस नरक में पहुंचेंगे क्योंकि वो शैतान के पीछे चलते हैं. And I pray that you be more serious. लेकिन मेरी प्रार्थना यही है कि आप लोग बहुत गंभीर हो जाए अपने जीवन में. Satan thought that Jesus could avoid the cross. शैतान ने सोचा कि शायद यीशु उस क्रूस को टाल देगा. And in the wilderness, Jesus was tempted. और उस मरुस्थल में यीशु का परीक्षा हुआ. And in one last temptation, Satan offered to Jesus the entire world. और उस आखिरी परीक्षा में शैतान ने यीशु मसीह को पूरा संसार देने के लिए बोला. The kingdoms of this world, इस संसार के सारे राज्य, with all their glory and with all their splendor, उनके सारे महिमा और शान और शौकत से. One condition, लेकिन उसके पीछे एक शर्त था. If Jesus would bow down before the devil once and pay the devil his homage, कि एक बार यीशु मसीह शैतान के सामने अपने सर को झुका दे, दंडवत करे. Jesus came to win the world. यीशु मसीह आए संसार को जीतने के लिए. With its kingdom, सारे राज्यों के साथ. And in this temptation, there was a suggestion, Jesus, you don't have to win the world by hard way. I can give it to you on a platter. If you just once bow down before me. और इस परीक्षा में शैतान बहुत आसान कर रहा था यीशु के लिए कि हम तुम्हें पूरा संसार दे देंगे सिर्फ मेरे सामने दंडवत करो. Jesus rejected that suggestion. लेकिन यीशु मसीह ने उसको तिरस्कार किया. And he chose the death. और यीशु मसीह ने चुना कि वो कठिन मार्ग को चुनेगा और मृत्यु को चुनेगा. Because he knew there was no other way mankind can be saved. क्योंकि वो जानते थे कि और कोई तरीका नहीं है कि मनुष्य बच सके. And it is the Father's love for humanity. और ये पिता का प्रेम है मानव के लिए. And therefore his will was for his son
to go to the cross and die and shed his blood for the remission of humanity. और इसलिए पिता की इच्छा यही था कि उसका पुत्र जो है उस क्रूस पर जाए, अपने लहू को बहाए और पापों के प्रायश्चित हो जाए. Therefore, और इसलिए, apart from the sufferings of the cross, there could be no resurrection from the tomb. और उस क्रूस के ऊपर दुख उठाने के अलावा उस कब्र से कोई पुनरुत्थान नहीं होता. Number one, पहली बात. Apart from the suffering of the cross. और उस क्रूस के ऊपर दुख उठाने के अलावा. There could be no resurrection from the tomb. अगर वो दुख नहीं उठाया जाता तो फिर उस कब्र में से कोई पुनरुत्थान नहीं होता. Shall we all shout that together? Can you say it in English? Apart from the cross के suffering, cross के दुखों के बिना क्या? Cross के दुखों के बिना बोलिए ना. Everyone, those who are sitting up there and those who are here. क्रूस के दुखों के बिना. ये बिना का शब्द के जगह और कोई है? अलावा. सिवाय. ओके, लेट अस यूज दैट वर्ड. क्रूस के दुखों के सिवा. कम ऑन एवरीबॉडी से. There could be no resurrection from the tomb. उस कब्रिस्तान से पुनरुत्थान नहीं होता. समझ गया? That's why Jesus went and suffered and died. और इसी कारण से यीशु मसीह ने दुख उठाया. Not for himself. अपने खुद के खातिर नहीं. But for you. लेकिन आपके खातिर. For you. आपके खातिर. And for me. और मेरे खातिर. There is a second part. और इसमें एक दूसरा हिस्सा है. Apart from the sufferings of the cross. क्रूस के दुखों के सिवाय. क्रूस के दुखों के सिवाय. There could be no message of love for the world. संसार के लिए कोई प्रेम का संदेश नहीं है. I could not have been standing here. I would not have been standing here and preaching, giving you this message of love of God, that you can now be saved and come to eternal life, having a hope for eternity. और मैं इस प्रकार खड़े होकर प्रचार नहीं कर पाता परमेश्वर के प्रेम के विषय में, उस आशा के विषय में जो परमेश्वर देते हैं. That would not have been possible. ये संभव नहीं होता. Had it not been for Jesus's willingness to go to the cross and suffer. अगर यीशु तैयार नहीं होते उस क्रूस पर जाके वो दुख उठाते. Thirdly, तीसरी बात. Apart from the sufferings of the cross. उस क्रूस के दुखों के सिवाय. There could be no approval. An exaltation for Christ at the end of the way. उस मार्ग के अंत में यीशु मसीह को कोई सहमति नहीं मिलता. Amen. And then last of all. और अंतिम बात. Remember the recorded final words of Jesus. और यीशु मसीह के अंतिम शब्द जो उन्होंने कहे उसको याद करें. नो, व्हाट वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड वर्ड्स ऑफ जीसस? और यीशु मसीह के वो पहले शब्द कौन से थे जो लिखे गए हैं? इट वाज स्पोकन टू हिज पेरेंट्स. यीशु ने अपने माता पिता से इन शब्दों को कहे. What was that? वो क्या था? हाँ,
He was only 12 years old. उस समय वो सिर्फ 12 वर्ष के थे. Yeah, what is it? No. What was the his words? What he spoke to his parents? The first recorded words of Jesus to his parents were, "Why are you looking up for me?" यीशु मसीह अपने माता पिता से पूछ रहे हैं कि तुम मुझे क्यों खोज रहे हो? Don't you know that I had to be in my father's? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में रहना है? नहीं, father's business. और पिता के कार्य में लगना है. What was father's business? पिता का कार्य क्या था? Father's business was sacrifice of his son Jesus Christ on the cross. वो कार्य यही था कि अपने पुत्र का बलिदान उस क्रूस के ऊपर. To complete the work of salvation. उस उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए. And what was the last words of Jesus spoken? और यीशु मसीह के अंतिम शब्द कौन से थे जो उन्होंने कहे? The first words to his parents were, "Don't you know I have to be in my father's business?" पहले जो शब्द थे अपने माता पिता को उन्होंने कहा कि क्या आप नहीं जानते हैं कि मुझे अपने पिता के कार्य में लगना है? And what was the last words? और वो अंतिम शब्द कौन से थे? From the cross. उस क्रूस से. It is finished. सब पूरा हुआ. What is finished? क्या पूरा हुआ? The father's business. वो पिता का कार्य. Finish. पूरा हो गया. I did not do it halfway. मैंने उसको आधा काम नहीं किया है. I completed. मैंने उसे पूरा किया है. Hallelujah. 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 Let us all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं. Remember this. He came to accomplish a father's business. इस बात को याद करें कि यीशु मसीह अपने पिता के कार्य को पूरा करने के लिए आए. And father's business was for his son to go to the cross and suffer and die and shed his blood for the remission of humanity's sin. और पिता का कार्य यही था कि उसका पुत्र जो है उस क्रूस के ऊपर जाए, अपने लहू को बहाए और मानव के लिए उस मार को तैयार करें. He finished it. यीशु ने उसे पूरा किया. आमेन. आमेन. On the cross he cried. उस क्रूस के ऊपर यीशु ने पुकारा. His last words. उसके अंतिम शब्द. It is finished. सब पूरा हुआ. The work that God the Father has entrusted to me. और जो कार्य पिता परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, I completed it. मैंने उसे पूरा कर दिया है. I went all the way. और मैंने पूरे मार्ग को तय किया. Hallelujah. Hallelujah. Because he completed that work. और क्योंकि यीशु ने उस कार्य को पूरा किया. Today we have a message of love. आज हमारे पास वो प्रेम का संदेश है. God's love. परमेश्वर का प्रेम. A message of forgiveness. उस क्षमा का संदेश. A message of salvation. उद्धार का संदेश. Message of eternal life. अनंत जीवन का संदेश. Come to Jesus. यीशु के पास आओ. He rose again from the dead. वो मुर्दों में से जी उठा. And he's alive. आज वो जीवित है. He's a living savior. वो एक जीवित उद्धार करता है. Ready to forgive and accept everyone who comes to him by faith. और तैयार है कि क्षमा करने के लिए और ग्रहण करने के लिए हर एक को जो विश्वास के साथ आता है. Do you want to come to him? क्या आप यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? And open your heart. और अपने हृदय को खोलना चाहते हैं? And then you pray. और फिर आप प्रार्थना करें. Here I come, O God. प्रभु, मैं आपके पास आता हूँ. Hallelujah. 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 If there is a single person listening to me who have never tasted the goodness of the Lord in forgiving you and making you a new creation. और कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो इस संदेश को सुन रहा है, जो परमेश्वर आपको क्षमा कर सकता है, आपको एक नई सृष्टि बना सकता है. You can experience it today. आज आप इसे अनुभव कर सकते हैं. You open your heart. अपने हृदय को खोल दें.
and invite him. और उसे ग्रहण करें. Surrender yourself to Jesus. अपने जीवन को समर्पित कर दे यीशु के हाथों में. As Jesus surrendered his human will to the will of God. जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने मानव इच्छा को समर्पित किया परमेश्वर के इच्छा में. Humble yourself. अपने आप को नम्र बना दे. If that is your desire. अगर यही आपकी इच्छा है. You lift up your hands. आप अपने हाथ को उठाएं. And then pray this prayer. और फिर इस प्रार्थना को करें. My Lord and my God. मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर. I thank you for sending your son Jesus. मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा. And this Jesus came, went to the cross and suffered and died for my sin. और ये यीशु मसीह आए उस क्रूस पर गए और दुख उठाया और मेरे लिए अपने लहू को बहाया. Through that sacrifice, और उस बलिदान के द्वारा, the way of salvation is opened. वो उद्धार का मार्ग खुल गया है मेरे लिए. I come to that way. मैं उस मार्ग में आता हूँ. I come to you, Jesus. प्रभु यीशु मैं आपके पास आता हूँ. I believe in you. मैं आप पर विश्वास करता हूँ. I want you to live in my heart. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हृदय में वास करें. Be my Lord and my Savior. मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता बन जाएं. Forgive me. मुझे क्षमा कर दे. Cleanse me. मुझे शुद्ध कर दे. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. I repent and I come to you. मैं पश्चाताप करता हूँ मैं आपके पास आता हूँ.